गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है वेक्टर से। और क्या है अपने पास? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें क्या है, अपने पास एक वेक्टर गिवन है, मान लो ए वेक्टर है। इस वेक्टर को आपने टू कंपोनेंट में डिवाइड करना है। अपने पास कोई भी वेक्टर है, एक वेक्टर को टू कंपोनेंट में डिवाइड करने को ही क्या बोलते हो आप? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हो। एक वेक्टर तो किस डायरेक्शन में आपने करना है? इसके टेल से क्या करना है? एक्स एक्सिस की तरफ। और एक क्या करना है आपने? वाई एक्सिस की तरफ। इससे क्या किया आपने? एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ये जो आ गया अपने पास, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस कंपोनेंट आ गया। और इस वेक्टर का जो ए वेक्टर था, इससे यहां से परपेंडिकुलर किया वाई एक्सिस पे। तो ये क्या आ गया अपने पास? y एक्सिस पे क्या आ गया? इस वेक्टर का कंपोनेंट आ गया। तो ये हो गया अपने पास एंगल थीटा। क्या आ गया? एंगल थीटा। इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, सेंटर O P Q और S। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस कंपोनेंट में इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इन ट्रायंगल ओ क्यू और पी, ओ पी क्या है? इस ट्रायंगल का बेस है। इस ट्रायंगल का क्या है? बेस। ये क्या हो गया? पोल। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस एच। तो हमने पढ़ा था साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। इसमें क्या था? पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले। तो हमने क्या निकालना है? ओपी की वैल्यू निकालनी है। इस कंपोनेंट एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, तो OP किसके इक्वल आ गया? बेस H। बेस आ गया अपने पास, OP इक्वल आ गया अपने पास H cos थीटा। और H के का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना स्टूडेंट है? A। तो क्या आ गया अपने पास? A cos थीटा OP। ये आ गया अपने पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट आ गया अपने पास? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हमने फाइंड आउट करना है इस कंपोनेंट की वैल्यू वर्टिकल, जो वाई एक्सिस में है। ओ एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ओ एस। तो ओ एस क्या है डियर स्टूडेंट? यहां पे किसके इक्वल हो गया? ये पी क्यू। ओ एस इक्वल है पी क्यू। और पी क्यू क्या है अपने पास? क्यू पोल। और पोल किस में है? साइन थीटा में। तो साइन पोल आ गया अपने पास। ओ एस की वैल्यू आ गई वर्टिकल जो कंपोनेंट है एच। एच क्या था अपने पास? ए। और साथ में साइन थीटा। ये क्या आ गया अपने पास? वर्टिकल कंपोनेंट। क्या आ गया ये अपने पास? वर्टिकल कंपोनेंट। और ये क्या आ गया अपने पास? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये आ गया अपने पास ए कोस थीटा। और ये क्या आ गया अपने पास? ए साइन थीटा। मान लो जब हम कभी भी चलते हैं तो एक फोर्स लगाया आपने। क्या लगाया? एक फोर्स लगाया है। किसकी तरफ लगाया है? अर्थ की तरफ। ये मान लो ग्राउंड है अपने पास। क्या है? ग्राउंड।
लगाया अपने पास ग्राउंड, और इस पे क्या लगाया अपने, एक फोर्स लगाया है, क्या लगाया है, एक फोर्स लगाया है इस तरफ। फोर्स कैसे अप्लाई किया है, इस तरफ अप्लाई किया है आपने, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिला है, नॉर्मल फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अब जब भी किसी चीज पे एक्शन देते हैं तो अपोजिट में क्या मिलता है, इक्वल, एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, रिएक्शन। तो ये कौन सा फोर्स आ गया अपने पास, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स आ गया अपोजिट डायरेक्शन। अब इस कंपोनेंट जो ये वेक्टर क्वांटिटी आ गई, इसको डिवाइड करने के लिए एक एक्सिस, एक कंपोनेंट तो ये आ गया अपने पास, और एक कंपोनेंट क्या आ गया डियर स्टूडेंट अपने पास, ये आ गया। ये एंगल क्या आ गया अपने पास, थीटा। अभी बताया था आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या आता है, ए कोस थीटा, यहां ए की जगह क्या है, एन है। तो क्या आ गया अपने पास डियर स्टूडेंट, इस डायरेक्शन में क्या फोर्स लगाया अपने पास, एन कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट क्या लगाया अपने पास, एन साइन थीटा। तो जब भी हम फोर्स लगाते हैं अर्थ पे तो वो दो कंपोनेंट में क्या होता है, डिवाइड। एक तो क्या लगता है, एन कोस थीटा, एक क्या लगता है अपने पास, एन साइन थीटा। तो इस जगह भी क्या कर सकते हैं, हम रिजोल्व कर सकते हैं वेक्टर। मान लो अपने पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये यहां पे क्या है, एक ब्लॉक रखा है, इसमें जो ग्रेविटी लगी, ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लगता है वो इतने ही एंगल से लगेगा डियर स्टूडेंट, इसके सेंटर से ये क्या लग गया अपने पास, एम जी फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल आ गया। एक इस फोर्स को हम टू कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक तो ये हो गया और एक कंपोनेंट डियर स्टूडेंट ये हो गया इसका, एक और ये दो। इसके साथ जो एंगल बनता है थीटा, और जिसके साथ एंगल बनता है उसको ही क्या बोलते हो आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो क्या आ गया अपने पास, ये इस साइड तो एम जी कोस थीटा, और ये क्या आ गया अपने पास इस तरफ, एम जी साइन थीटा, और ये क्या आ गया अपने पास, नॉर्मल फोर्स। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो। मान लो अपने पास एक रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स ये एफ, वो है डियर स्टूडेंट टेन न्यूटन, कितना है टेन न्यूटन। हमें एफ एक्स में बताना है और एफ वाई में जो है फोर्स वो बताना है। ये जो एंगल बनता है वो बनता है डियर स्टूडेंट 30 डिग्री, कितना बनता है 30 डिग्री। तो अभी अभी पढ़ा था हमने जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके साथ क्या आएगा, एफ एक्स क्या आ गया, एफ कोस थीटा। एफ की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, 10 न्यूटन, और कोस थीटा क्या हो गया 30, और कोस 30 क्या होता है, √3/2। तो क्या आ गया अपने पास, एफ एक्स इक्वल 10√30/2 5। तो क्या आ गया, 5√3 न्यूटन का क्या लगाया है, फोर्स लगा है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में कितना लगाया डियर स्टूडेंट, वाई क्या हो गया अपने पास, वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल के लिए क्या होता है, एफ वाई इक्वल एफ
साइन थीटा, क्या होता है एफ साइन थीटा। एफ कितना है अपने पास, एफ आ गया 10 न्यूटन और साइन 30 क्या हो गया साइन 30, साइन 0 0 और साइन 30 1/2, तो साइन 30 क्या आ गया 1/2, 2 और 5 कैंसिल, तो क्या आ गया 5 न्यूटन का क्या लगाया अपने पास है? एक फोर्स लगा है, क्योंकि साइन 30 क्या होता है अपने पास 1/2। ये जो है अपने पास टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी जगह न्यूमेरिकल में इसका यूज करते हैं, 12th क्लास में भी करते हैं, हायर एजुकेशन में भी इसका क्या करते हैं यूज करते हैं। तो ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो और पढ़ते हैं हम, मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, मान लो एफ और एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई का जो रेशो है वो है 1/2 और जो रिजल्टेंट फोर्स है अपने पास, रिजल्टेंट फोर्स वो है डियर स्टूडेंट 10 न्यूटन जो एफ है अपने पास गिवन। तो हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स और एफ वाई, क्या फाइंड आउट करना है हमें एफ एक्स और एफ वाई। देखो अपने पास ये आ गया, ये जो फोर्स गिवन है अपने पास ये कितना गिवन है एफ इक्वल क्या गिवन आ गया 10 न्यूटन। एफ एक्स निकालना है और क्या निकालना है एफ वाई, एफ एक्स और एफ वाई में जो एंगल है, एंगल बिटवीन बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई कितना है थीटा इक्वल 90 डिग्री, कितना है डियर स्टूडेंट थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो अपने पास क्या हो गया, ये क्या बना अपने पास, ये देखो ये बना पैरेललोग्राम मेथड, टेल से टेल कनेक्ट है, ये क्या आ गया रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट के जो वैल्यू होती थी एफ इक्वल क्या होता था ए स्क्वायर, एक ही जगह क्या आ गया एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2 एफ एक्स एफ वाई और कोस थीटा। अब एफ एक्स अपॉन में एफ वाई, एफ एक्स अपॉन में एफ वाई किसके इक्वल है 1/2, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, अपने पास क्या आ गई एफ एक्स की वैल्यू एफ वाई अपॉन में 2 और 2 को भी इस तरफ लिया तो 2 एफ एक्स की वैल्यू आ गई अपने पास। तो एफ वाई की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, 2 एफ एक्स पुट कर सकते हैं, तो कोस थीटा 90 हो गया, थीटा कितना हो गया 90 और कोस 90 क्या होता है 0 होता है, कोस 90 क्या होता है 0। तो एफ कितना है अपने पास गिवन 10 न्यूटन रूट ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई की जगह क्या पुट करना है आपने 2 एफ एक्स का स्क्वायर और इस प्लस में क्या हो गया 0, तो क्या आ गया 10 एफ एक्स स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या आ गया एफ एक्स बाहर आ गया 1 प्लस 4, तो
तो क्या आ गया रूट फाइव, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट टेन अपॉन में रूट फाइव न्यूटन, क्या आ गया रूट टेन अपॉन में रूट फाइव न्यूटन। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, एफ एक्स की जगह हमने किसकी जगह पुट किया था एफ वाई की जगह, अब की बार पुट कर दो एफ एक्स की जगह एफ वाई आ जाएगा अपने पास, तो क्या आ गया टेन रूट ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट अपने पास एफ वाई अपॉन में टू का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस में जीरो, तो क्या आ गया टेन एफ वाई स्क्वायर कॉमन आ गया ये, तो एफ वाई तो ये आ गया अपने पास रूट ऑफ वन बाई फोर प्लस वन, तो क्या आ गया अपने पास फोर फाइव, तो क्या आ गया अपने पास टेन इक्वल एफ वाई फोर एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद ये टू बार और रूट फाइव, तो एफ वाई की वैल्यू आ गई अपने पास 20 अपॉन में रूट फाइव न्यूटन। तो इस प्रकार हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का यूज करते हुए किसी भी न्यूमेरिकल को जो वेक्टर की फॉर्म में है उसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।